टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर फिर से भाजपा ने सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर विश्वास जताया है। पहली लिस्ट में नाम शामिल करने पर सांसद सुखबीर सिंह ने आलाकमान का आभार जताया है। सांसद को फिर से टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस को फिर पटकनी देने का दम भरा और एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनने का दावा किया है। देखिए, जिस हिसाब से 5 साल मैंने जनता के बीच में काम किया है, उसी हिसाब से टोंक सवाई माधोपुर की जनता का मन था, उनकी अंतरात्मा ये पुकार रही थी कि हमारा सांसद दोबारा से प्रत्याशी बन के आए और हम दोबारा से जिता के अपने 5 साल से सेवा कराएं। उसी के तहत मैं यहाँ के 19 लाख के करीब का जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन वोटर है, उस सबकी मन की आवाज़ निकल के आ रही थी कि आप आएँ। उसके तहत में मैं चाहता हूँ कार्यकर्ताओं की सबकी भावना थी, उस नाते सभी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, इन सब ने माना कि हम दोबारा से आपके ऊपर मैं जिम्मेवारी देते हैं ताकि आप दोबारा से यहाँ पर नेतृत्व करें। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे 25 के 25 लोकसभा सीट के हम फिर दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी भाई मोदी के पक्ष जाएंगे ताकि उनको फिर दोबारा प्रधान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।